वार्षिक निरीक्षण के लिए बड़वानी पहुंचे डीआईजी तिलक सिंह ने व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्टि दिखाई है। साथ ही कोरोना महामारी में भी काम कर रहे पुलिस कर्मियों की भी तारीफ की। डीआईजी तिलक सिंह वार्षिक निरीक्षण के लिए बड़वानी आए थे। उन्होंने पुलिस लाइन में जहां वाहन परमिटों के साथ वाहनों का निरीक्षण किया, साथ ही विभागीय दरबार भी लगाया, जहां पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से रूबरू हुए ताकि किसी को अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण किया जा सके। हालांकि उन्होंने किसी भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की किसी बड़ी समस्या सामने आने की बात नहीं कही। साथ ही तिलक सिंह ने बड़वानी थाना पर सहित डीआरपी एसडीओपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया, साथ ही नए बनाए क्वार्टर्स का भी निरीक्षण किया और सराहना करते हुए तारीफ की। तिलक सिंह पूर्व में बड़वानी एसपी रह चुके हैं। जब उनसे अपराध संबंधी सवाल किया तो उन्होंने कहा ट्रेंड वही है। लॉकडाउन के कारण अपराधों में कमी आई जरूर है, लेकिन प्रवासियों के वापस लौट आने के कारण अपराधों में वृद्धि की संभावना जताई है, जिसके लिए निगरानी बदमाश आर्म जैसे अपराधों में लिप्त अपराधियों की सूची बनाकर चेकिंग के लिए अभियान चलाने की बात कही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, पुलिस दरबार लगा था सर, किस तरह की समस्या है, क्या समस्या का निराकरण होगा? बड़वानी जिले का वार्षिक निरीक्षण ड्यू था, उस वार्षिक निरीक्षण दिनांक 16 और 17 में संपन्न किया जा रहा है। इसी दौरान वाटर गार्ड के निरीक्षण के साथ साथ में वाहन परेड का निरीक्षण किया गया। उसके बाद में अधिकारी कर्मचारियों का जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन का आयोजन किया गया। जितने कर्मचारी उपस्थित थे उन लोगों से उनकी गुजारिशें सुनी गईं। किसी कर्मचारी ने वैसा कोई विशेष ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जो कि हल करने में कोई समस्या हो। छोटी छोटी सी बातें बताई गई उनके लिए, तो निश्चित तौर से वो बात ऊपर पहुँचाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान 16 तारीख को पुलिस निरीक्षक कार्यालय का पूरा रिकॉर्ड देखा गया। बहुत अच्छी व्यवस्थित रिकॉर्ड रखी गई है, साफ़ सफाई रखी गई है और इसी तरह लाइन का भी निरीक्षण जो आज किया गया, लाइन में भी बड़ा ही व्यवस्थित काम हुआ है। कोरोना के दौरान जो महाराष्ट्र के बॉर्डर में कर्मचारियों ने काम किया है, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको बधाई दी गई है। डीजी महोदय द्वारा भी जो संदेश दिया गया था, वो संदेश को भी कर्मचारियों को बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एसपी साहब भी कर्मचारियों को जिन्होंने अच्छा काम किया है वो अपने स्तर पर पुरस्कृत करेंगे। मैंने भी पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी और राजपत्रित अधिकारियों को अपनी तरफ से प्रशंसा पत्र दिए हुए हैं। सर, एसपी आप भी रहे बड़वानी जिले में, अभी क्या देखने को? निश्चित तौर से मैं बड़वानी जिले में रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं पुणे ज़िले में आके निरीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और पुरानी टीम भी है यहाँ, पुराने अधिकारी भी हैं, आपके एसपी, एडिशनल एसपी सभी को जानता हूँ और काफ़ी अच्छा काम हुआ। जैसे लाइन में नए क्वार्टर्स बने हुए हैं, पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अच्छा सा गेट बना दिए हैं जिससे पहचान हो रही है, गेट की बाउंड्री वाल भी बन रही है, तो कुछ अच्छे कार्य हुए हैं निश्चित तौर से। और इस तरह से कार्य होते रहेंगे तो निश्चित तौर से पुलिस विभाग के लोग और अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। सर, अपराधों की बात करें तो जैसे आपके समय में अभी में कुछ ऐसा, अपराधों का ट्रेंड तो वही है और ये कह सकते हैं कि अभी जो लॉकडाउन रहा इस दौरान निश्चित तौर से अपराधों में बहुत कमी आई है। और अब हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि जो बाहर से अभी आए हुए हैं लोग, प्रवासी लोग आए हुए हैं, संभावना इस बात की है कि अपराध बढ़ेंगे, तो जितने भी निगरानी बदमाश हैं, सजायाब हैं, उनकी चेकिंग और आर्म्स के लिए भी सूचना संकलन का काम कर रहे हैं कि उस पर नियंत्रण बना रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।